ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री ना आता हो, ठीक है। हर जगह पे ये ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में ये आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिल जाएगा। आपका पूरा बेसिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ किसी बच्चे का छूटे ना, कोई डाउट साथ में लेके ना चले, जो कुछ भी हो यहीं पे क्लियर हो जाए तो अच्छा है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिर, रिकॉर्डेड क्लास है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब पे जाके इसको फिर से देख सकते हो। चलिए पहले मीनिंग समझते हैं चैप्टर का नाम आपका। ये चैप्टर आपको मिलेगा नंबर 8 पे, ठीक है। टोटल इसकी 4 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, राइट। कोविड-19 की वजह से 8.4 को हटा दिया था, मे बी आपका भी शायद कोविड-19 वाला सिलेबस लगेगा, रिड्यूस सिलेबस। जल्दी से जुड़ जाएं आप, कोई बच्चा वापस रिज्वाइन ना करे। चलिए, तो 8.4 को निकाल दिया था और इसी के बेस पे आपका चैप्टर नंबर 9, जिसमें सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज मिलती है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके इसके बेस पे क्वेश्चन। अगर आपने 8.2 को ठीक से पढ़ लिया तो आपकी 9.1 बिल्कुल सही से हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 बराबर। आपके 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 आपको बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। और यूट्यूब के ऊपर आपको पार्ट बाय पार्ट मिल जाएगा, पार्ट 1 क्वेश्चन 1, पार्ट 2 क्वेश्चन 2, पार्ट 3 क्वेश्चन 3, अप टू पार्ट 16 तक आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट हम यहाँ पे हर चीज़ को लेकर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, नो प्रॉब्लम। हमारा गोल रहेगा 8.1, 8.2 और 8.3, ठीक है। अगर बाद में कोई नोटिफिकेशन आता है और फुल सिलेबस करने के लिए बोलते हैं तो हम 8.4 को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज अभी हम 8.4 का कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं करने वाले। चलिए अब सीधा लेसन पे आते हैं। लेसन का नाम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नाम से समझ में आता है, इसको थोड़ा स्पीड कर लेते हैं, ट्राइगोनमेट्री। ट्राइंगल, गॉन मतलब आप समझ सकते हो, ये दो वर्ड को रिलेट करता है, एंगल और साइड, और मेट्री मतलब मेजर। किसी भी ट्रायंगल के एंगल और किसी भी ट्रायंगल की साइड को मेजर करना, इसका ये मतलब हुआ। किसी भी ट्रायंगल का या तो एंगल या तो साइड को मेजर करना, ये सारी बातें होगी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, ठीक है। ये सिंपल सा मीनिंग, कोई इसमें इतना बड़ा लॉजिक नहीं लगाना आपको। सर, हाँ बताओ। आपने ग्नो की जगह गॉन लिखा, हाँ वो बराबर है, ट्राइगोनमेट्री बोलते हैं उसको, उसको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ट्रिगोई बोलेंगे, पूरा वर्ड नहीं बोलेंगे हम, ट्रिगोई बताएंगे, ठीक है, ट्रिगोई बोलेंगे हर बार इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो, ट्राइंगल के साइड और एंगल को मेजर करना, राइट। जैसे आपको मालूम होगा ट्राइंगल के क्या होते हैं, तीन एंगल होते हैं, ए बी और सी। ट्राइंगल के टोटल थ्री एंगल्स हैं और ये पॉलीगॉन फैमिली में सबसे पहले बिलोंग करता है, सबसे पहला मेंबर है ये आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने शेडेड किया है, ये इसके तीन एंगल हैं, और जहाँ पे मैं दो लाइन कर रहा हूँ वो उसकी तीनों साइड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे रिलेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास साइड्स होगी तो आप एंगल ढूंढ पाओगे, और अगर आपके पास एंगल होगा तो आप साइड्स ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर पूरा ट्रायंगल बेस्ड है,
और ट्राइंगल के हमें एंगल और साइड के साथ पूरा डील करना है चैप्टर के साथ। काफ़ी आसान चैप्टर, पूरा चैप्टर फॉर्मूले के बेस पे है, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। जितनी पकड़ आपकी फॉर्मूले के ऊपर होगी चैप्टर आपका इतना ही अच्छा रहेगा, इतना ही आपको मार्क देने वाला बन जाएगा, स्कोरिंग चैप्टर बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। वैसे ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, इस चैप्टर का भी ये चैप्टर काफ़ी हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, इसके हिस्ट्री हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी बहुत सारे हैं। ऐसा बोला जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो ब्रांच है वो आर्यभट्ट, जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज़ीरो का डिस्कवरी किया था, उनकी देन है, ठीक है। ये चैप्टर उन्हीं की वजह से है और यहाँ पे इस चैप्टर से ऐसा बोला गया है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस और सन और मून के डिस्टेंस, मून और अर्थ का डिस्टेंस, ठीक है, हमने वहाँ पर जाकर मेज़र करना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सन पर तो कौन जा सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने सन और अर्थ का डिस्टेंस ढूंढा है, सन और मून का डिस्टेंस ढूंढा है, मून और अर्थ का डिस्टेंस हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ढूंढ पाए हैं। जैसे आपने क्लास 7 में एक वर्ड पढ़ा था गेनामोन, ठीक है, जैसे आपने टाइम और डिस्टेंस वाला लेसन था आपका CBSE में, उसमें आपने पढ़ा था गेनामोन एक डिवाइस आता था जिसकी शेडो की वजह से आप उनके बीच का एंगल ढूंढते थे और फिर डिस्टेंस पता कर पाते थे। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लेना है, बहुत ही अच्छा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है ये, बट ये लेसन की लिमिटेशन ये है कि लेसन सिर्फ किस में लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये लेसन जो कुछ भी है ना, ये लेसन में जो कुछ भी पढ़ने वाले, जो कुछ भी होने वाला है वो सारा कुछ राइट एंगल ट्राइंगल में ही होने वाला है। एक काम करता हूँ, मैं आपको ट्राइंगल की पूरी फैमिली के बारे में एक बार डिस्कस करा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। ट्राइंगल में टोटल कितने ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगल की टोटल दो कैटेगरी है, एक साइड बेस और एक एंगल बेस। साइड बेस में टोटल 3 कैटेगरीज, दो साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल और एक भी साइड इक्वल नहीं है। और यहाँ पे एंगल में भी हम 3 बात डिस्कस करेंगे, जिसमें एक एंगल 90 हो, दूसरा एंगल दो सारे के सारे एंगल 90 से छोटे हों और एक एंगल 90 से बड़ा हो, ये वाला एंगल 90 से बड़ा, ये सारे एंगल 90 से छोटे, ठीक है। इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ये 90 का रहेगा आपका, ठीक है, ये सारे एंगल 60 60 और 60, मतलब सारे एंगल कैसे हैं 90 से छोटे, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल 90 से बड़ा है तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये आपने क्लास 7 में सीखा था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दो साइड इक्वल हैं, एक आइसोस्केलियन ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक भी साइड इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। आपने काफ़ी चर्चा भी की है इसके ऊपर, काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है क्लास 9 के अंदर हिरन्स फार्मूला में। हिरन्स फार्मूला में आपने स्केलन ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, आपको मालूम हो या शायद याद हो पिछले साल का मैथमेटिक्स। स्केलन ट्राइंगल में हम हिरन्स फार्मूला लगाते थे। अभी हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, हमें सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट एंगल ट्राइंगल।
ट्रिग्नोमेट्री आपकी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगती है, ठीक है। तो हम इस लेसन में जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो सारा कुछ राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे हम पढ़ेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, हम राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल इन डिटेल, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरीके से समझ सको। राइट एंगल ट्राइंगल इन डिटेल। बिल्कुल सही। चलिए पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इसको नेम दे देते हैं हम ए बी और सी, राइट। यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे एंगल ए और एंगल बी हैं, एंगल ए और एंगल सी हैं, वो कैसे हैं, लेस देन 90 होंगे। एंगल ए और एंगल सी कैसे हैं, लेस देन 90 है, इनकी वैल्यू 90 से छोटी होगी। और एंगल बी एग्जैक्ट कैसा है हमारा, 90 डिग्री का है, राइट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक, कुछ समझ में ना आया हो ऐसा, यस और नो? ओके, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे हम ए और सी जो एंगल होंगे वो एंगल कैसे होंगे, 35 का होगा, 65 का होगा, 45 का होगा। एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू 90 को अप्रोच नहीं करेगी, या बिल्कुल 90 नहीं बन जाएगा। अगर 90 बन गया तो ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो एंगल बी का वैल्यू तो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा 90, बट एंगल ए और एंगल सी 90 से ज़्यादा नहीं होने वाले। मतलब ये एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी, ये 90 से छोटे ही रहने वाले हैं। और 90 से छोटे रहने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट। इनको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। बट इस लेसन में हमने एक्यूट एंगल को अलग अलग सिंबल से, डिफरेंट सिंबल यूज़ किए हैं एक्यूट एंगल को दिखाने के लिए। जैसे हमने ले लिया है थीटा, कभी कभी अल्फा भी ले लेते हैं, कभी बीटा भी लिया हुआ है, राइट। तो अल्फा बीटा और थीटा, ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है और ये थीटा, ये आपने पहली बार आप देख रहे हो अभी, इसको हम थीटा कहते हैं। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। बट एक्यूट एंगल को बार बार हम नहीं अभी रिपीट नहीं करेंगे, हम सीधा क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। मतलब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, ऐसे एंगल की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 90 से छोटी है। थीटा का मतलब होता है एक्यूट एंगल, एंगल हैविंग वैल्यू लेस देन 90। क्लियर हुआ? थीटा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे आपने मतलब समझ में आ रहा हो कि थीटा क्या पढ़ा दिया सर ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थीटा मतलब एक्यूट एंगल का एक हमने सिंबल लिया है। थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, थीटा कहाँ कहाँ लगा सकते हो आप, थीटा वहाँ लगा सकते हो जहाँ जहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है। तो अब एक्यूट एंगल तो दो जगह पे बन रहा है, देखो एंगल ए भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, और एंगल सी भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो आप चाहो तो थीटा यहाँ पे भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप काम कर सकते हो, अगर आपने थीटा को यहाँ पे लिख दिया है तो आप क्या करो, एंगल सी के ऊपर अल्फा ले लो या एंगल सी के ऊपर बीटा ले लो, ताकि दोनों थीटा की साइन आपस में मर्ज ना हो जाए, कन्फ्यूजन प्रोड्यूस ना करे। इसलिए हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल के दोनों अलग अलग एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एंगल को थीटा से दिखाते हैं, दूसरे एंगल को बीटा से या दूसरे एंगल को अल्फा से दिखाते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर से बता रहा हूँ, आपका थीटा अल्फा और बीटा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक तरह का हमने सिंबल यूज़ किया है एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बहुत ही स्लोली मैंने डिटेल में डिसीजन किया है यहाँ पे हर चीज़ का। कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी मुझे बता दो, क्योंकि जब एक बार हम आगे निकल जाएंगे तो वापस हम थीटा का डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर वहाँ पे जाके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि थीटा क्या था। अभी भी कुछ हो तो मुझे बता दो। बहुत सारे बच्चे सर, जुड़े हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा है। हाँ नो, जैसे कि एक्यूट हो तो अल्फा बीटा ये थीटा तीनों में से कोई भी सिंबल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, अभी ये तो आपका 90 फिक्स हो गया। चलिए अभी मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, थीटा ले लिया, तो मैं यहाँ पे वापस थीटा नहीं लूँगा, क्या ले लूँगा यहाँ पे, अल्फा ले लूँगा, या चलो कोई दूसरा ट्राइंगल आ गया और यहाँ पे हमने 90 लिया हुआ है। चलो इस बार मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, बीटा ले लिया, ठीक है। चलो अब मुझे थीटा नहीं पसंद, मैंने मुझे थीटा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अल्फा ले लो और यहाँ पे बीटा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी आपका यहाँ पे इधर इधर तो आपका हमेशा 90 फिक्स रहेगा, यहाँ पे आप अल्फा बीटा कभी नहीं लगाओगे, ठीक है। एंगल बी के ऊपर तो 90 फिक्स रहेगा। कोई प्रॉब्लम है अभी किसी को? नो no. ठीक है, जैसे मुझे बताना। यहाँ पे ए बी और सी, ये 90 है, यहाँ पे ले लिया मैंने 35 और यहाँ पे ले लिया है मैंने 55, ठीक है। तो थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? ए और सी, ए और सी। थीटा की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 35 भी हो सकती है और 55 भी हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे भी थीटा लगा सकते हैं या फिर हम यहाँ पे भी थीटा लगा सकते हैं। आप यहाँ पे तो कभी थीटा लगाओगे नहीं एंगल बी के ऊपर, तो सीधी बात है। थीटा अल्फा और बीटा कुछ भी नहीं है, एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल हमने लिया है बस, इससे ज़्यादा थीटा अल्फा और बीटा कुछ भी नहीं। चलिए मानता हूँ कि कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए इतनी बार डिस्कस हो गई, अब थोड़ी और जानकारी हमें कलेक्ट करनी थी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब जो पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से देखना सारे बच्चे, अगर यहाँ पे आपने ठीक से कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में। चलिए अभी ये जो हमने यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल एबीसी लिया है, राइट, ट्राइंगल एबीसी लिया हुआ है। अब ट्राइंगल एबीसी के अंदर टोटल 3 साइड्स है, कौन कौन सी, ए बी, बी सी और ए सी। यहाँ पे जो ए सी वाली साइड है वो सबसे बड़ी साइड है, बी सी वाली साइड है जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ा है, और ए बी वाली साइड है वो क्या कर रही है, 90 एंगल बना रही है। फिर से बता रहा हूँ, बी सी वाली साइड के ऊपर ट्रायंगल खड़ा है, ए बी वाली साइड राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, 90 एंगल बना रही है, और ए सी है वो सबसे बड़ी साइड है,
जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपो हाइपोटेन्यूस। जिस साइड के ऊपर ट्रायंगल खड़ा है या जो साइड ट्रायंगल को खड़ा होने की अब खड़ा होने का एक मतलब एक बेस दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बेस। और जो साइड राइट एंगल बना रही है 90 डिग्री बना रही है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ठीक है। अब मैं इसको एकदम से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल रहेगा चाहे कुछ भी नाम दे दिया हमने पी क्यू आर एस पी क्यू आर, तो इसमें आपका ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपो हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, किसे हाइपो बोलना है किसे परपेंडिकुलर की बोलना है किसे बेस बोलना है समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, ए एक्स वाई, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई क्या है आपका बेस है, ये राइट एंगल बना रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और सबसे बड़ी साइड तो क्या होगा ये हाइपोटेन्यूस होगा। किसी को हाइपो परपेंडिकुलर बेस में किसी को प्रॉब्लम? नो नो ओके ओके चलिए ठीक है। फिर आखिरी 5 मिनट बची है, हम एक काम करते हैं आपको मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, इसके बाद का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम डिस्कशन करेंगे और हल्का सा जो हमारे साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट कैसे आए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, यहाँ पे 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, 10 मिनट की ब्रेक के बाद तुरंत आप क्या करो देखो, ज्वाइन होने में टाइम मत लगाओ, जैसे लिंक आ जाए तुरंत आप जुड़ जाओ ताकि आप हमारा 5-10 मिनट का जो टाइम है वो चला ना जाए। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट रेशियोज़ के बारे में और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फिर ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का।